अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रोहड़ी शहर में और यहाँ पर जो है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सूरज तुलू हो रहा है और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता रोहड़ी और सखर के दरमियान बने हुए दो मशहूर ब्रिजेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। तकरीबन इस वक्त 7:45 हो रहे हैं और सूरज इस वक्त बिल्कुल निकलने वाला है। और न सिर्फ ये दो ब्रिज इस इलाके की ही पहचान है बल्कि तारीख के हवाले से भी ये ब्रिजेस काफी अहम हैं। और इन ब्रिजेस का जो ये स्पेशल किस्म का डिजाइन है ये इनकी मकबूलियत में 4 चांद लगा देता है। और साथ ही बता दूं कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन को कैप्चर करूं, ताकि इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन का जो एक हसीन नजारा होने वाला है वो मैं अपनी आंखों से भी देखूं और साथ ही उसे अपने कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने भी पेश करूं। तो चलिए अब इन ब्रिजेस की तरफ चलते हैं। 2022 में इन ब्रिजेस के क्या हालात हैं ये मैं आपको एक नज़र दिखाता हूं और फिर साथ ही हम लोग इन ब्रिजेस की तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर, जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और साथ में ही जो आप देख रहे हैं अयूब पुल, उसे पाकिस्तान ने बनाया है जनरल अयूब के दौर में। तो दोस्तों पैदल चलने के लिए यहाँ पे लकड़ी के फट्टे जो हैं वो लैंसडाउन ब्रिज के दोनों तरफ मौजूद हैं ताकि आप लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर सकें, जबकि ट्रैफिक के लिए ये वाली साइड है, यानी कि लैंसडाउन ब्रिज की वाली साइड है और ट्रेन के लिए तो बराबर वाली है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस लैंसडाउन ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज का इफ्तिताह 25 मार्च 1889 में किया गया, जिसे उस वक्त 19 सेंचुरी का एक शाहकार तसव्वुर किया जाता था। और क्यों ना तसव्वुर किया जाता हो, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे लंबा कैंटिलेवर ब्रिज था जो कि उस वक्त पूरे भारी भरकम रेलगाड़ी का वजन बर्दाश्त करता था। और आज इस लैंसडाउन ब्रिज को 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और ये आपके सामने किस हालत में मौजूद है ये आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। और इस ब्रिज को बनाने का मकसद ये था कि सखर शहर को जो है वो मुल्क के बाकी दूसरे शहरों से दिया जाए। और इस पुल के बनने के बाद ट्रेन की पटरी जो थी वो न सिर्फ सक्कर शहर से जा मिली बल्कि मजीद आगे जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा और चमन तक चली गई, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। इस ब्रिज के डिजाइनर का नाम अलेक्जेंडर मिडोज रैंडल था। इस ब्रिज के स्पैन की लंबाई 790 फीट है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है वो 1887 में शुरू हुई थी और 1889 में इस ब्रिज का काम मुकम्मल कर लिया गया था। तो इस ब्रिज की मजबूती आप देख सकते हैं कि भारी भरकम बस जो है वो भी इस लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है, जबकि इस ब्रिज को बने हुए तकरीबन 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो दोस्तों काफी अरसे तक ये ब्रिज जो था ये रोड के लिए भी था, यानी कि रोड ट्रैफिक जो था वो भी इसी के ऊपर से ज्यादा था और ट्रेन ट्रैफिक जो था वो भी इसी के ऊपर से ही जाता था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रोड्स पर ट्रैफिक बढ़ने लगी और ट्रेन्स की तादाद में इजाफा होता गया तो फिर ये फैसला किया गया कि क्यों ना ट्रेन्स के लिए जो है वो एक अलग से ब्रिज बना दिया जाए। तो फिर हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1959 में इस लैंसडाउन ब्रिज के बराबर में ही एक नए ब्रिज बनने का काम शुरू हो गया और तकरीबन 3 साल बाद 6 मई 1962 को इस ब्रिज का काम मुकम्मल कर लिया गया। चूँकि ये ब्रिज जनरल अयूब खान के दौर में मुकम्मल हुआ तो इसी वजह से इस ब्रिज का नाम जो है वो अयूब ब्रिज रख दिया गया। और अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज की जो लंबाई है वो तकरीबन 806 फीट है जबकि ऊंचाई 247 फीट है और इस ब्रिज की तामीर में उस वक्त के तकरीबन 21.6 मिलियन रुपए लगे थे कि जिसको डिजाइन किया था डेविड बी स्टीनमैन ने। और इस डिजाइन की बदौलत अयूब ब्रिज जो था वो उस वक्त दुनिया का तीसरा लॉन्गेस्ट स्पैन वाला ब्रिज था, यानी कि एक ऐसा ब्रिज जिसके नीचे कोई भी पिलर मौजूद नहीं था। और साथ ही दुनिया का ऐसा रेलवे ब्रिज भी था जो कि पूरा लोहे की रॉड्स पर लटका हुआ था। और आज जितनी भी ट्रेन रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से कोयटा की तरफ जाती हैं या फिर जिन ट्रेन्स को मेन लाइन 2 पर चलना होता है वो सारी इस ब्रिज के ऊपर से ही गुजरती हैं। आज भी अयूब ब्रिज जो है वो भारी भरकम ट्रेन का वजन उठाने के काबिल है जिसे बने हुए तकरीबन 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। साथ ही इसके बराबर में मौजूद लैंसडाउन ब्रिज जो है इस ब्रिज को बने हुए भी 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और ये ब्रिज भी आज भारी भरकम बसेस का वजन उठा सकता है। तो ये थी कहानी इन दोनों अजीम ब्रिजेस की। तो दोस्तों इस वक्त पूरे 7 बज रहे हैं और 7 बजे जो है वो रोहड़ी और कोटरी के दरमियान चलने वाली 214 डाउन मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन जो है वो रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलती है और अब से कुछ ही देर में वो मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन हमारे सामने से इस लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी, सॉरी इस अयूब ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सखर शहर है जबकि ये जो है ये रोहड़ी है, यानी कि सिर्फ दरिया का फर्क है दोनों शहरों के दरमियान। तो ये आ चुकी है मोहनजोदड़ो पैसेंजर।
दोस्तों वो सामने अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज के बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि सात सहेलियों के मज़ार पर। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, मेरी लेफ्ट साइड पर ये मज़ार मौजूद है, लेकिन हमारे आने यहाँ आने का मकसद ये है कि वो जो सामने कश्तियाँ खड़ी हुई हैं उनकी एक सवारी कर ली जाए, यानी कि एक छोटी सी बोट राइड। तो चलें अब वो करते हैं। हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास, यानी कि फैसलाबाद के राशिद भाई और लाहौर के बिलाल भाई के पास, जो कि हमारा ब्रिज के नीचे से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने ट्रेन को ब्रिज के नीचे से कैप्चर किया है, जबकि मैं और फहीम भाई जो थे वो ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दरिया के पास का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी चरिंद परिंद यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम राशिद भाई, यार कहाँ थे आप, मिले थे सुबह से? अच्छा अच्छा तो चलें अपने कश्ती में बोर्ड होते हैं। चलें चलें आ गए बस हम, चल जाएं अंकल जी। हाँ जी राशिद भाई, मजा आएगा बहुत ज्यादा। आजकल आप जानते हैं कि टिकटॉक का दौर है, तो इस तरह खड़े होकर पीछे कोई सैड सॉन्ग लगाकर, यानी कि फुल चपाटर बनकर आप एक 15 सेकंड की टिकटॉक भी बना सकते हैं और अपने आसपास के कई रिश्तेदारों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। बाकी समझ तो आप गए होंगे कि इम्प्रेस किसको करना है, मुझसे तो कोई नहीं हुआ, शायद आप लोगों की बात बन जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।